मेरे प्यारे देशवासियों, इस बार मैं मन की बात के लिए आए सुझावों को देख रहा था, तब देश भर के लोगों ने जिस विषय पर सबसे अधिक लिखा वह विषय है हम सबके प्रिय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी। गाजियाबाद से कीर्ति, सोनीपत से स्वाति वत्स, केरल से भाई प्रवीण, पश्चिम बंगाल से डॉक्टर स्वप्न बनर्जी, बिहार के कटिहार से अखिलेश पांडे, न जाने कितने अनगिनत लोगों ने नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर और माई गॉव पर लिखकर मुझे अटल जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करने का आग्रह किया है। 16 अगस्त को जैसे ही देश और दुनिया ने अटल जी के निधन का समाचार सुना, हर कोई शोक में डूब गया। एक ऐसे राष्ट्रनेता जिन्होंने 14 वर्ष पहले प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था, एक प्रकार से गत 10 वर्ष से वे सक्रिय राजनीति से काफी दूर चले गए थे, खबरों में कहीं दिखाई नहीं देते थे, सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आते थे। 10 साल का अंतराल बहुत बड़ा होता है, लेकिन 16 अगस्त के बाद देश और दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान के सामान्य मानवी के मन में ये 10 साल के कालखंड ने एक पल का भी अंतराल नहीं होने दिया। अटल जी के लिए जिस प्रकार का स्नेह, जो श्रद्धा और जो शोक की भावना पूरे देश में उमड़ पड़ी, वो उनके विशाल व्यक्तित्व को दर्शाती है। पिछले कई दिनों से अटल जी के उत्तम से उत्तम पहलू देश के सामने आ ही गए हैं। लोगों ने उन्हें उत्तम सांसद, संवेदनशील लेखक, श्रेष्ठ वक्ता, लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में याद किया है और करते हैं। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस को मुख्य धारा में लाने के लिए यह देश सदा अटल जी का आभारी रहेगा। लेकिन मैं आज अटल जी के विशाल व्यक्तित्व का एक और पहलू, उसे सिर्फ स्पर्श करना चाहता हूं, और यह अटल जी ने भारत को जो पॉलिटिकल कल्चर दिया, पॉलिटिकल कल्चर में जो बदलाव लाने का प्रयास किया, उसको व्यवस्था के ढांचे में ढालने का प्रयास किया, और जिसके कारण भारत को बहुत लाभ हुआ है और आने वाले दिनों में बहुत लाभ होने वाला है, ये भी पक्का है। भारत हमेशा 91 संशोधन अधिनियम 2003 के लिए अटल जी का कृतज्ञ रहेगा। इस बदलाव ने भारत की राजनीति में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पहला ये कि राज्यों में मंत्रिमंडल का आकार कुल विधानसभा सीटों के 15% तक सीमित किया गया। दूसरा ये कि दल बदल विरोधी कानून के तहत तय सीमा 1/3 से बढ़ाकर 2/3 कर दी गई। इसके साथ ही दल बदल करने वालों को अयोग्य ठहराने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश भी निर्धारित किए गए। कई वर्षों तक भारत में भारी भरकम मंत्रिमंडल गठित करने की राजनीतिक संस्कृति रही। बड़े बड़े जंबो मंत्रिमंडल कार्य के बंटवारे के लिए नहीं, बल्कि राजनेताओं को खुश करने के लिए बनाए जाते थे। अटल जी ने इसे बदल दिया। उनके इस कदम से पैसों और संसाधनों की बचत हुई, इसके साथ ही कार्यक्षमता में भी बढ़ोतरी हुई। ये अटल जी जैसे दीर्घदृष्टा ही थे जिन्होंने इस स्थिति को बदला और हमारी राजनीतिक संस्कृति में स्वस्थ परंपराएं पनपी। अटल जी एक सच्चे देशभक्त थे। उनके कार्यकाल में ही बजट पेश करने के समय में परिवर्तन हुआ। पहले अंग्रेजों की परंपरा के अनुसार शाम को 5 बजे बजट प्रस्तुत किया जाता था, क्योंकि उस समय लंदन में पार्लियामेंट शुरू होने का समय होता था। वर्ष 2001 में अटल जी ने बजट पेश करने का समय शाम 5 बजे से बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया। एक और आजादी, अटल जी के कार्यकाल में ही इंडियन फ्लैग कोड बनाया गया और 2002 में इसे आधिकारिक कर दिया गया। इस कोड में कई ऐसे नियम बनाए गए जिससे सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा फहराना संभव हुआ। इसी के चलते अधिक से अधिक भारतीयों को
अपना राष्ट्र ध्वज फहराने का अवसर मिल पाया। इस तरह से उन्होंने हमारे प्राण प्रिय तिरंगे को जन सामान्य के करीब लाया। आपने देखा किस तरह अटल जी ने देश में चाहे चुनाव प्रक्रिया हो और जनप्रतिनिधियों से संबंधित जो विकार आए थे उनमें साहसी कदम उठाकर बुनियादी सुधार किए। इसी तरह आजकल आप देख रहे हैं कि देश में एक साथ केंद्र और राज्यों के चुनाव कराने के विषय में चर्चा आगे बढ़ रही है। इस विषय के पक्ष और विपक्ष दोनों में लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, ये अच्छी बात है और लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत भी। मैं जरूर कहूंगा स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, उत्तम लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपराएं विकसित करना, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास करना, चर्चाओं को खुले मन से आगे बढ़ाना, यह भी अटल जी को एक उत्तम श्रद्धांजलि होगी। उनके समृद्ध और विकसित भारत के सपने को पूरा करने का संकल्प दोहराते हुए मैं हम सब की ओर से अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, संसद की आजकल चर्चा जब होती है तो अक्सर रुकावट, हो हल्ला और गतिरोध के विषय में ही होती है, लेकिन यदि कुछ अच्छा होता है तो उसकी चर्चा इतनी नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले ही संसद का मानसून सत्र समाप्त हुआ है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 118% और राज्यसभा की 74% रही। दल हित से ऊपर उठकर सभी सांसदों ने मानसून सत्र को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया और इसी का परिणाम है कि लोकसभा ने 21 विधेयक और राज्यसभा ने 14 विधेयकों को पारित किया। संसद का ये मानसून सत्र सामाजिक न्याय और युवाओं के कल्याण के सत्र के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। इस सत्र में युवाओं और पिछड़े समुदायों को लाभ पहुंचाने वाले कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया गया। आप सबको पता है कि दशकों से SC/ST कमीशन की तरह ही OBC कमीशन बनाने की मांग चली आ रही थी। पिछड़े वर्ग के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए देश ने इस बार OBC आयोग बनाने का संकल्प पूरा किया और उसको एक संवैधानिक अधिकार भी दिया। यह कदम सामाजिक न्याय के उद्देश्य को आगे ले जाने वाला सिद्ध होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए संशोधन विधेयक को भी पास करने का काम इस सत्र में हुआ। यह कानून SC और ST समुदाय के हितों को और अधिक सुरक्षित करेगा। साथ ही यह अपराधियों को अत्याचार करने से रोकेगा और दलित समुदायों में विश्वास भरेगा। देश की नारी शक्ति के खिलाफ कोई भी सभ्य समाज किसी भी प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बलात्कार के दोषियों को देश सहन करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए संसद ने आपराधिक कानून संशोधन विधेयक को पास कर कठोरतम सजा का प्रावधान किया है। दुष्कर्म के दोषियों को कम से कम 10 वर्ष की सजा होगी। वहीं